एंड वेलकम टू बी टाउन ब्लश। मैं हूँ आपकी होस्ट फलक। दोस्तों, सलमान खान की रेस 3 जब कुछ ही समय पहले रिलीज हुई थी, तब ये भी खबर आई थी कि ऐश्वर्या राय की मूवी फने खान रेस 3 के साथ क्लैश करने वाली है एट द बॉक्स ऑफिस। एंड ऐश्वर्या राय और सलमान खान के फैंस सुपर एक्साइटेड थे कि देखने के लिए कि कैसे ऐश्वर्या राय और सलमान खान कौन बैटल करेगा बॉक्स ऑफिस पे, कौन विन करेगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को। एंड इन दोनों के क्लैश को देखने के लिए सारी इंडस्ट्री सुपर एक्साइटेड थी। लेकिन फिर हमें ये पता चला कि फने खान की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है टू अगस्त 3। तो हम सभी ये सोच रहे थे कि क्या रीजन होगा और क्यों पोस्टपोन हुई है फने खान की रिलीज डेट एंड क्यों उन्होंने क्लैश अवॉइड किया विद सलमान खान्स रेस 3। फने खान के को प्रोड्यूसर है अनिल कपूर, और अनिल कपूर की अगर हम बात करें तो अनिल कपूर वॉज अ पार्ट ऑफ रेस 3 एज वेल, एंड अनिल कपूर इज अ पार्ट ऑफ फने खान एज वेल। तो क्या ये रीजन था कि अनिल कपूर को ही इन दोनों मूवीज को क्लैश नहीं करना था बॉक्स ऑफिस पे? तो काफी ज्यादा स्पेक्युलेशंस चल रहे थे। लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में अनिल कपूर जी ने यह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें क्लैश नहीं करना था रेस 3 के साथ, या यू नो बिकॉज ही वॉज इन बोथ द मूवीज, तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। उन्होंने ये सारे रीजंस को डिक्लाइन कर दिया और उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये लगा था कि ईद तक इनकी मूवी की शूटिंग, इनका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट फॉर द मूवी, सो इसीलिए उन्होंने ये मूवी की रिलीज डेट जो कि है पोस्टपोन कर दी टू अगस्त 3। लेकिन अब जब ये मूवी रिलीज होने वाली है अगस्त 3 को, तो ये क्लैश होने वाली है इरफान खान की मूवी कारवान के साथ। तो हमें ये देखना बाकी है कि कौन सी मूवी इज गोइंग टू विन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। तो आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल बी टाउन ब्लश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।